तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य में जो नाटक है और नाटक का जो विकास क्रम है उसको हमने एक एक करके जाना और समझा, ये जाना कि कौन कौन से किस युग में कौन कौन से प्रमुख नाटककार हुए हैं और कौन कौन से नाटकों की रचना उन्होंने की है। तो एक बार पुनः सुन लीजिए, पुनः आप लोगों को बता दूं, चार युगों में हिंदी नाटकों के इतिहास और विकास क्रम को बांटा गया है, जिसमें पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है प्रसाद युग और चौथा है प्रसादोत्तर युग। इस प्रकार से चार युगों में हिंदी नाटक के विकास को बांटा गया है। अब नाटक के बाद दूसरी जो विधा है वो दूसरी विधा आती है आप लोगों के, वो है निबंध। कौन सी विधा आती है? निबंध विधा। यह हिंदी गद्य की जो विधा है वो आप लोगों के आती है। तो देखिए, किसी विषय वस्तु से संबंधित किसी विषय वस्तु से संबंधित विचारों का प्रतिपादन विचारों का प्रतिपादन विशिष्ट शैली में प्रस्तुत करने वाली विशिष्ट शैली में प्रस्तुत करने वाली निबंध विधा आधुनिक युग की देन है। किस युग की देन है? आधुनिक युग की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है
कि पद्य लेखन कवियों की कसौटी है, तो गद्य लेखन की कसौटी निबंध लेखन है। निबंध लेखन है तो एक बात देख लीजिए कि किसी विषय वस्तु से संबंधित विचारों का प्रतिपादन, किसी विषय वस्तु से संबंधित विचारों का प्रतिपादन विशिष्ट शैली में प्रस्तुत करना करने वाली निबंध विधा आधुनिक युग की देन मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में लिखा है, क्या लिखा है कि पद्य लेखन कवियों की कसौटी है तो गद्य लेखन की कसौटी निबंध लेखन है। अर्थात निबंध विधा में गद्य विधा में निबंध लेखन सबसे महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। तो अब बात आती है निबंध का अर्थ। निबंध का अर्थ, अंग्रेजी के EWSEY ऐसे की है ना भाई, SAY है या EY है, EY ऐसे से निबंध का तात्पर्य माना जाता है। तात्पर्य वह उद्भव माना जाता है। संस्कृत भाषा का प्रबंध शब्द भी
प्रबंध शब्द भी इसी का समानार्थक माना जाता है। तो देखिए निबंध का अर्थ अंग्रेजी के ऐसे से निबंध का तात्पर्य वह उद्भव माना जाता है, अर्थात अंग्रेजी की ऐसे राइटिंग जो विधा है उसी से हिंदी में हिंदी गद्य में निबंध विधा का अवतरण और उसका उद्भव माना जाता है। संस्कृत भाषा का प्रबंध शब्द है वो भी इसी का समानार्थी माना जाता है। अब बात आती है कि निबंध के प्रकार, निबंध कितने प्रकार के होते हैं।